स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। आपके साथ मैं ज्योति वर्मा, खबर कश्मीर से। उत्तरी कश्मीर के बारामूला के सरकारी डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे आज अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जहां शिक्षा को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वहीं आज बारामूला के डिग्री कॉलेज की हालातों को बयान करते हुए इन छात्रों ने बताया कि कमरों की भारी कमी के चलते उन्हें पढ़ाई में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते पढ़ाई पूरी करना मुश्किल सा हो गया है। जबकि सरकार की तरफ से कॉलेज को 100 एकड़ जमीन अलॉट कर रखी है, लेकिन अभी तक ये जमीन कॉलेज प्रशासन को नहीं दी गई है। कॉलेज प्रशासन ने बच्चों की शिक्षा के लिए शेड वाले कमरे बनाए हैं, मगर स्थायी कमरों का निर्माण नहीं होने से छात्रों को परेशानी हो रही है। आइए सुनते हैं डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या है कहना। बारे में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दूर दूर से लड़के आते हैं और अच्छा रोल है इस कॉलेज में। इस कॉलेज में अभी 2465 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, और बिल्कुल गरीब तबके से ये बच्चे आते हैं और इनके लिए ये कॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस कॉलेज में बेसिक फैसिलिटी तो सारी है, लेकिन एक चीज़ का फुकदान है, यहाँ जो लैंड की प्रॉब्लम बड़ी है। यहाँ पर 12 कनाल लैंड है जिस पर ये कॉलेज सारा अभी चल रहा है, तो और हमारे पास 29 कनाल लैंड और गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, लेकिन उसका अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। पैसे आ गए हैं, वो DC साहब के पास है। यहाँ के जो पटन के लोग हैं, पटन के बाशिंदे, उनसे मेरी अपील है कि वो उसमें हमें मदद करें, क्योंकि वो अगर ये ज़मीन कॉलेज को देंगे तो उससे फ़ायदा उन्हीं बच्चों का होगा, इस इलाके के बच्चों का होगा। दूसरा, हमारे पास कॉलेज के पास 315 कनाल और घास चराई लैंड भी है, उसको भी हम यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक डिफ़िकल्ट टेरेन है, उसमें थोड़े से हाई टेंशन वायर्स चल रही हैं, तो उसको भी हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही मौके का जायज़ा लिया हमारे पत्रकार राही निसार ने। आइए सुनते हैं। जहाँ पर आज हुकूमत ये दावा करती है कि हम तालीम के लिए हर कुछ करते हैं, मगर अगर पटन डिग्री कॉलेज की बात करें, यहाँ पर बच्चे टिन शेडों में तालीम हासिल करते हैं। ये डिग्री कॉलेज 2005 में यहाँ पर तामीर हुआ है, मगर इसकी खाली एक बिल्डिंग यहाँ पर बनी है। बच्चों का कहना है कि अगर हम समर में यहाँ टिन शेडों में तालीम हासिल करते हैं, गर्मी की शिद्दत की वजह से हम वहाँ पढ़ नहीं सकते। और अगर यहाँ बात करें जो सर्दी आने वाली है कश्मीर में, अगर उन पे बात करें तो यहाँ पर वो टिन शेडों में कैसे तालीम हासिल कर सकती है, ये गवर्नमेंट के लिए एक यहाँ पे लम्हा फिक्र बनता है। मैं राही निसार, सईद मुदस्सिर के साथ वॉइस ऑफ इंडिया।